हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारे चैनल की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं तुलिप सलवार। इसके लिए हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया है और यह सलवार हम फुल लेंथ के लिए बनाएंगे। हमारी लंबाई है 39 इंच और कमर है 34 इंच। तो अब हम सबसे पहले कपड़े को ट्राइंगल शेप में बिछा देंगे और जो कॉर्नर वाली साइड है वहाँ पर 3 इंच पर निशान लगाएंगे और एक लाइन खींच देंगे। इसके बाद अब हम सलवार की लंबाई नापेंगे। सलवार की लंबाई है 39 इंच, तो 5 इंच हम बेल्ट का छोड़कर 39 में 1 इंच मिलाकर 40 इंच पर निशान लगाएंगे। अब हमने 5 इंच ऊपर बेल्ट का छोड़ा हुआ है तो टोटल लंबाई आ रही है 35 इंच। अब हमने जो 3 इंच का निशान लगाया था वहाँ पर हल्की सी गोलाई देते हुए वहाँ से हम 35-35 इंच पर नापते हुए ऊपर भी गोलाई में निशान लगाएंगे। यह सलवार गोलाई में कटती है। वैसे तो तुलिप सलवार बहुत सारे पैटर्न में कटती है और उसमें बहुत सारे डिज़ाइंस होते हैं। हमारे चैनल पर हम आगे आपको और भी डिज़ाइंस दिखाएंगे। अब हम नीचे 3 इंच पर निशान लगाएंगे और वहाँ से गोलाई में शेप देंगे। हम मोरी में 3 इंच पर निशान लगाकर जो गोलाई दे रहे हैं यह गोलाई बाहर की तरफ होगी, अंदर की तरफ नहीं होगी। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। हम जो कटिंग कर रहे हैं वो अभी एक साइड का हिस्सा है, अभी दूसरे साइड वाला हिस्सा हमें कट करना बाकी है। तो हम नीचे की साइड में पूरी गोलाई कट नहीं करेंगे, सिर्फ वो कॉर्नर कट करेंगे। गोलाई हम दोनों की साथ में कटिंग करेंगे। अब दूसरे वाले हिस्से को भी ट्रायंगल शेप में रख कर जो हमने एक साइड की कटिंग की है उसको ऊपर अच्छे से सेट करके हम इसकी भी कटिंग कर लेंगे। दोनों हिस्सों की कटिंग करने के बाद अब हम सलवार की म्यानी को कट करेंगे। तो हम यहाँ पर लंबाई लेंगे 8 इंच और चौड़ाई लेंगे 2 इंच और एक बॉक्स बना लेंगे। अब हम जो कॉर्नर वाला हिस्सा है वहाँ पर गोलाई देते हुए इसे हम कट कर लेंगे। और जो मोहरी में हमने गोलाई दी थी वो अभी तक हमने कट नहीं की है तो अब उसे भी हम कट कर लेंगे। मोहरी की गोलाई कट करने के बाद अब हम इसे जहाँ से हमने गोलाई दी थी उस हिस्से को भी बीच से अलग कर लेंगे। अब हमारी सलवार के 4 हिस्से हो जाएंगे। हम जो यहाँ से बीच से अलग कर रहे हैं यहाँ से अटैच होके हम इसी सिलाई के ऊपर मोती अटैच करेंगे। सलवार की कटिंग को कंप्लीट करने के बाद अब हम बेल्ट की कटिंग करेंगे। हमने बेल्ट लिया था 5 इंच, तो बेल्ट में 2.5 इंच ऐड कर देंगे और बेल्ट लेंगे 7.5 इंच। हमने यहाँ 2.5 इंच में से 2 इंच इलास्टिक के और 1/2 इंच सिलाई का ऐड किया है, तो अब हमारा बेल्ट है 7.5 इंच और हमारा तैयार बेल्ट होगा 5 इंच का। अब हम बात करते हैं बेल्ट की चौड़ाई कितनी लेते हैं। तो बेल्ट की चौड़ाई हम हमेशा सीट के हिसाब से लेते हैं। नाप के अकॉर्डिंग सीट है 34 इंच, तो 34 का आधा 17 और 17 में हम 5 इंच ऐड कर देंगे तो बेल्ट की चौड़ाई हम लेंगे 22 इंच। अब हम इसकी स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जो बीच वाला हिस्सा हमने मोहरी के वहाँ से अलग किया था उससे हम स्टिच करेंगे। हम जो ये सेंटर वाली सिलाई लगा रहे हैं यह वो वाली सिलाई है जहाँ पर मोती अटैच होते हैं।
सेंटर की सिलाई स्टिच करने के बाद हम मोहरी वाले हिस्से को पलटेंगे। मोहरी के यहाँ पे हमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ पतली सी किनार पलटनी है। इसी तरीके से हम दोनों हिस्सों को तैयार कर लेंगे। मोहरी को कंप्लीट करने के बाद अब हम सलवार के आसन को अटैच करेंगे। यहाँ पर हम दोनों साइड के आसन अटैच नहीं करेंगे, यहाँ पर हम सिर्फ एक साइड के आसन ही अटैच करेंगे। अब हम सलवार से बेल्ट को अटैच करेंगे और जो दूसरी साइड का आसन खुला हुआ था उस वाले आसन को हम बेल्ट से अटैच करेंगे। अब हम ये वाली साइड लेंगे और बेल्ट से अटैच करते हुए इसमें हम सल भरेंगे। सल हम बिल्कुल जो नॉर्मल सलवार में भरते हैं उसी हिसाब से भराते हैं, लेकिन सलवार में हम सारे सल आगे की तरफ भरते हैं और तुलिप सलवार में आगे और पीछे बराबर सल भरते हैं, और जो सलवार का बीच का सेंटर पॉइंट है वो बेल्ट के सेंटर पॉइंट से मैच होना चाहिए। हमने बेल्ट की दोनों साइड पर बीच वाले हिस्से पर कट लगा रखा है और जो नीचे वाला घेर है वहाँ पर हमने जो कट करके सिलाई लगाई थी वही हमारा सेंटर पॉइंट है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बेल्ट के कट से हमारा ये सेंटर पॉइंट मैच हो। अब आप देख सकते हो कि हमारा ये सेंटर पॉइंट आ गया है। अब हम यहाँ पर सल की साइड चेंज कर देंगे। अब हम जो सल भर रहे हैं सलवार के पीछे वाले हिस्से में, आप देख सकते हो कि हमने जो सल आगे भरे हैं उतने ही सल हमारे पीछे वाले हिस्से में भी आ रहे हैं। इसी तरीके से हम दोनों साइड तैयार कर लेंगे। सल भरने के बाद अब हम सल के ऊपर सिलाई लगाते हुए डबल सिलाई कर देंगे। आप देख सकते हैं कि डबल सिलाई कितनी अच्छे से आई है। अब हम सलवार का नेफा तैयार करेंगे। यहाँ पर आप इलास्टिक या नाड़ा कुछ भी डाल सकते हैं। अब हम दोनों हिस्सों को अटैच करेंगे और उसके बाद हम नेफा तैयार करेंगे। हम यहाँ पर इलास्टिक यूज़ नहीं करेंगे, इसलिए हमें नाड़ा डालने के लिए जगह बनानी होगी। तो जगह बनाने के लिए हमने जो सिलाई लगाई थी उसे कपड़े को चौड़ा करते हुए जो सिलाई वाला हिस्सा है उसे पलटेंगे। हमें यहाँ पर सिर्फ उतना हिस्सा ही पलटना है जो हमारे नेफे में जाएगा। अब हम इसे पलटने के बाद यहाँ पर नेफा तैयार करेंगे। नेफा तैयार करने के बाद अब हम सलवार की नीचे की सिलाई लगाएंगे। यह सिलाई लगाने के बाद हमारी सलवार कंप्लीट हो जाएगी। सिलाई लगाते वक्त ध्यान रखें कि दोनों हिस्सों बराबर हो और जो सलवार के आसन की सिलाई है वह भी बराबर आए। वह सिलाई इधर उधर नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल बराबर आनी चाहिए।
सिलाई लगाने के बाद अब हमारी सलवार कंप्लीट है। हमने यहाँ पर जो बीच वाला हिस्सा था वहाँ पर मोती लगाए हैं। आप चाहे तो कुछ और भी लगाकर इसे डेकोरेट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मोती लगाने के बाद यह सलवार कितनी अच्छी लग रही है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।